एवरीवन, वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए देखते हैं आज पेपर में। पहली न्यूज है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज। तो जैसे कि हमें पता है, G20 जो इस बारी इंडिया लेड कर रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, एंड स्पेशली चैलेंजेस जैसे कि डिफरेंट प्रायोरिटीज को लेके अमंग इट्स मेंबर। अब जहाँ पे बोला गया है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है, इट नीड्स अ न्यू पैराडिग्म टू एड्रेस न्यू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। और इंडिया ने प्रपोज किया है कंसेप्ट ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इम्फेसाइज भी किया है साथ ही में कि हमें क्या लोकल गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस है, और साथ ही में कम्युनिटी लेड सोल्यूशन लेने होंगे अगर हमें ग्लोबल इश्यूज को इफेक्टिवली टैकल करना है। नेक्स्ट है, फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रॉबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप। तो जैसा कि अभी एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड साथ ही में US प्रेसिडेंट के बीच में, जो ये सिग्निफाई कर रहा है US एडमिनिस्ट्रेशन का डिजायर इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड साथ ही में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का, और स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन जो चाइना से फेस करना है उसका डिजायर। अब जो इकोनॉमिक एंड साथ ही में जो ये ट्रेड रिलेशनशिप है इंडिया और US के बीच में, यहाँ पे अभी भी वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इट हैज इट्स पोटेंशियल, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है उनको अब जरूरत है कि एक तो ट्रेड को प्रायोरिटाइज किया जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया जाए अगर हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्हांस करनी है। और साथ ही में इससे होगा क्या, अगर हम ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो US और साथ ही में इंडिया, दे कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ टारगेट ऑफ $500 to $600 billion बायलेटरल प्राइस बाय 2030। That means they can just unlock the full potential of their partnership. Next is deep tech startup taking brave risk. जो पूरा ये great Indian startup boom है, which has been led by young entrepreneurs, and इसको support भी किया जा रहा है government के काफी startup India movement से, they are just thriving an entrepreneurial ecosystem in India. That means it is reaching more than two tier 2 as well as tier 3 cities ke bhi beyond. Ab jo ye startup movement hai, it is moving into a deep technology, jaise ki AI, robotics, biotech, electric vehicle, space exploration. Aur isse ho kya raha hai, bahut sari jobs bhi create ho rahi hai. ऐसी ही जो डीप टेक एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ द साइंस एंड टेक डिस्कवरीज पब्लिक सेक्टर से मार्केट तक, और वो आ कैसे रहे, थ्रू स्टार्टअप्स ही। दैट मींस अनलॉकिंग इंडिया से हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है। अब हमें अगर आगे जाके स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को लार्जर रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करना होगा। That means ki it should enable mass procurement of indigenously development technologies, fostering innovation, and as well as isse hoga kya, economic growth hogi India mein. Next it quiz hai, that the coalition efforts against Iraq were carried out in two phases, Operation Desert Shield and Operation Desert Storm. Next, the man is known for portraying the role of the T. Lawrence in Lawrence of Arabia, that is a Peter O'Toole, an American writer born on this day. He garnered acclaim from his work, baat ho rahi hai James Baldwin ki. Adolf Hitler succeeded which president to become the Fuhrer and his Paul. And isme se ye question bahut hi repeated hai aur ye aa sakta hai. Pingali Venkya, he was a freedom fighter and he was a designer of our flag even. So this can be important. नेक्स्ट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, दैट राज्यसभा ने पास किए हैं 3 बिल, एंड कौन कौन से बिल है, माइंस मिनरल अमेंडमेंट बिल, जो कि आगे अलाउ करेगा प्राइवेट प्लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए अटोमिक मिनरल्स को।
साथ ही में जो हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का हमने रीड किया था कि वो एग्जेम्प्ट कर रहा है लैंड विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज बॉर्डर फ्रॉम कंजर्वेशन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जन विश्वास बिल, जो डीक्रिमिनलाइज करेगा काफी प्रोविजंस कमर्शियल लॉज में टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो ये तीनों बिल है ये पास किए गए हैं बाय वॉइस वोट, जिसका एम यही है टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। नेक्स्ट है वन मोर चीता डाइज एट कुनो नेशनल पार्क टेकिंग द टोल टू 6। तो अभी जो ये फीमेल चीता है जिसका नाम है थ्री सोर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइड एट कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अब ये बिलीव यही है कि कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण ये ऐसा हुआ है, बिकॉज वॉट हैपन वॉज दैट शी कॉन्ट्रैक्टेड अ पैरासिटिक इन्फेक्शन ड्यू टू रिपीटेड स्क्रैचिंग एंड वॉन्डिंग हरसेल्फ। अब ये 6th रिपोर्टेड डेथ है अमंग द 20th जो चीतास हम नामीबिया अफ्रीका से लेकर आए थे। जो बाकी सारी डेथ है या वो हुई थी इन्फेक्शन ड्यू टू रेडियो कॉलर्स के कारण causing lacerations in their skin, जो कि expose कर रहा था to them parasite against जो भी natural जिसकी immunity है ही नहीं है। तो experts का ये मानना है कि जो cheetahs है they are sensitive to local climate and parasites। तो इससे हो क्या रहा है कि future sourcing animals की it should be reconsidered। अब वही जो environment ministry और national tiger conservation authority है they have stated that it is due to natural causes and not accident। Next, government kick off contractual dispute settlement scheme। So जो center ने अभी launch करी है एक contractual scheme contractual disputes के लिए vendor और suppliers के लिए to the government and it's undertaking। 31st October deadline है अपने firms को जो submit करना है इनको अपने claims consideration के लिए। नेक्स्ट है इंडिया ने पास करा लॉ अलाउइंग प्राइवेट फर्म टू बिड फॉर एंड माइन लिथियम। तो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया लॉ जो गवर्नमेंट को अलाउ करेगा ऑक्शन करने के लिए माइन करने के लिए न्यूली डिस्कवर्ड रिजर्व्स लिथियम के और भी मिनरल्स, जिससे अब हो क्या रहा है कि इंक्रीज होगा माइनिंग ऑफ द क्रिटिकल इनपुट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। अब इस लॉ के अंदर जो लिथियम और बाकी मिनरल्स है इनको रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल और इवन प्रिवेंट कर दिया पहले ऑक्शन होने से। नेक्स्ट यहाँ से आपका इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स शुरू होते हैं कि एज द आर्टिकल 370 हेयरिंग्स बिगेन क्वेश्चन ऑफ द टेम्पररी प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल जो चैलेंज किया गया है आर्टिकल 370 को एंड उसी में पहले तो टेम्पररी प्रोविजन के बारे बताया गया है कि जो 370 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका टाइटल है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसका जो टाइटल है वो है ही इस तरीके से कि टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इट इज रिटन देयर दैट द प्रेजिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव और शैल बी ऑपरेटिव ओनली विद सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन फ्रॉम सच डेट एज इट मे स्पेसिफाई। और ये पूरा एक्सेशन का एक टाइमलाइन दिया गया है कि 1947 से किस तरह से हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज अडॉप्टेड। नेक्स्ट है साइंस में कि 505 मिलियन ओल्ड जेलीफिश फॉसिल फाउंड हुआ है इन कैनेडियन रॉकीज एंड इट मे बी द ओल्डेस्ट एवर फाउंड। सो जेलीफिश आर मोस्टली वाटर एंड इट शो अप इन द फॉसिल रिकॉर्ड रेडली, सो यू शुड नो दिस। ऐसे ही क्लिप्स में से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि एक यूपीएससी ने गुची मशरूम पे पूछा था। स्टूडेंट्स आर वेरी पजल्ड कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बट इट वॉज इन न्यूज बिकॉज यहाँ पे GI टैग उसको दिया गया था, उसी के कारण ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी दैट ग्रेटर कंट्रोल फॉर सेंटर सेंसरशिप प्रोविजन लाइकली। दैट हमें पता है अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पास हुआ है एंड वहां पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सेटअप करने की बात हुई है जो अलाउ करेगी गवर्नर को गवर्नमेंट को कि हम डायरेक्ट कर पाए कोई भी आइडेंटिटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन। तो ये हमने कल हिंदू में भी इस आर्टिकल को कवर किया था।
सो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर ही आर्टिकल है। ये जो ड्राफ्ट है वो अभी पार्लियामेंट में थर्सडे को टेबल होने जाएगा, जिसमें ये इंडिया का सेकेंड अटेम्प्ट है एज अ लाइक फ्रेमिंग प्राइवेसी लेजिस्लेशन को लेकर, 6 ईयर्स आफ्टर जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ये PDF आपको मेंटी IAS टेलीग्राम से मिल जाएगा। कोई भी आपकी स्टूडेंट्स क्वेरी है आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।